नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश सिंह, अन्य टैक्स ऑफ LLP टैली सर्टिफाइड पार्टनर। दोस्तों आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूँ दोस्तों, कि बहुत सी क्लाइंटों की रिक्वायरमेंट है या बहुत सारे क्लाइंटों की कन्फ्यूजन है दोस्तों कि क्लाउड क्या है, टैली ऑन क्लाउड क्या है। बहुत लोग गूगल पे सर्च करके देखते हैं ये सब क्या है, या आपको बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि कई लोग बोलते हैं शेयर्ड क्लाउड लेंगे या डेडिकेटेड क्लाउड लेंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे 90% क्लाइंट को दोस्तों ये नहीं पता कि शेयर्ड क्लाउड क्या होता है, डेडिकेटेड क्लाउड क्या होता है, या टैली ऑन क्लाउड होता क्या है, यूज कैसे होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं सारा आपको समझाऊंगा A to Z कि शेयर्ड क्लाउड क्या होता है, डेडिकेटेड क्लाउड क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में, और टैली ऑन क्लाउड क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी पूरी जानकारी, पूरी चीज़ आपको, हर एक टॉपिक आपको पूरा हिंदी में आपको सारा समझाऊंगा। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा टैली ऑन क्लाउड के बारे में कि क्या होता है टैली ऑन क्लाउड। तो दोस्तों ये स्टार्ट करने से पहले, ये वीडियो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो इस चैनल पे, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए दोस्तों, कि कोई भी लेटेस्ट अन्य टैक्स ऑफ LLP की वीडियो आपसे ना छूटे और सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। क्योंकि दोस्तों बहुत लोग 90% लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो देखने के बाद, दोस्तों बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो दोस्तों देखने के बाद आप सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ नॉलेज मिली है, तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्या होता है टैली ऑन क्लाउड। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे आपको लाता हूँ, पहले आपको समझा देता हूँ चीज़ें कि शेयर्ड क्लाउड और डेडिकेटेड क्लाउड होता है। शेयर्ड क्लाउड क्या होता है दोस्तों, कि कोई भी कंपनी एक सर्वर ले लेती है मेंटेन, एक भी कोई क्लाउड डेडिकेटेड स्पेस ले लेती है, उस पर डिफरेंट सारी कंपनियों का डेटा देके उनको क्लाउड पे होस्टिंग दे देती है। मतलब एक ही सिस्टम पे, जैसे सपोज एक ड्राइव मैंने परचेज कर लिया 1 TB की या 100 TB 1000 TB का, उसमें फोल्डर बना के हर एक कंपनी के अलग अलग करके उनको एक होस्टिंग कर दिया। जैसे कि आपको केवल टैली का एक्सेस मिल गया, दूसरी कंपनी का किसी को एक्सेस उसी ड्राइव में उसी सर्वर पे डेटा रख के उनको एक्सेस दे दिया। मतलब एक ही सर्वर पे मल्टीपल कंपनियों के डेटा को शेयर करके उन लोगों को लॉगिन करने के लिए होस्टिंग करा दिया हमने क्लाउड, उसको शेयर्ड बोलते हैं दोस्तों। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे एक लैपटॉप है, लैपटॉप में डिफरेंट फोल्डर हमने बना दिया, जैसे ABC कंपनी का एक फोल्डर बना दिया, वहाँ से उसको एक्सेस दे दिया। मतलब आप अगर अपनी कंपनी को एक्सेस करोगे ABC कंपनी को, आपको वहीं से शो होगा, लेकिन उसी सर्वर पे और भी मल्टीपल कंपनी के डेटा हैं जो कि लोग एक्सेस करते हैं। वो कॉस्ट कम आता है दोस्तों, अगर आप सिंगल यूजर यूज करते हैं, 1 यूजर या 2 यूजर चाहते हैं तो आप डेडिकेटेड नहीं, क्योंकि डेडिकेटेड क्या होता है दोस्तों, बहुत ही कॉस्टली होता है। शेयर्ड क्या होता है, मोस्टली लोग 600 समथिंग पर मंथ के हिसाब से, पर यूजर के हिसाब से देते हैं प्राइस, एक कॉस्ट कम है। अगर आप सिंगल यूजर यूज कर रहे हैं तो आपके लिए 7200 1 ईयर का कॉस्टिंग आता है, तो बहुत ही कम है दोस्तों आपके लिए। तो आप डेडिकेटेड में नहीं प्रेफर करेंगे, क्योंकि शेयर्ड आपका क्या है कि शेयर्ड पे आपको केवल टैली यूज करना है, तो आपके लिए ये शेयर्ड बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही कॉस्ट कम है। तो इसलिए लोग अगर 1 यूजर या 2 यूजर यूज करते हैं तो लोग शेयर्ड प्रेफर करते हैं। अब मैं बात करता हूँ डेडिकेटेड क्लाउड। डेडिकेटेड क्लाउड क्या होता है अगर दोस्तों, कि आपकी बड़ी कंपनी है, आपके यूजर 5 यूजर या 6 यूजर हैं, और आपको कॉस्ट पे करने के लिए कोई इशू नहीं है, और दूसरी चीज़ें सिक्योरिटी लेवल से आप चाहते हैं कि मेरे, आपने एक डेडिकेटेड आपको IP दे दिया जाता है, उस स्पेस में उस IP एड्रेस पे केवल आपका ही डेटा उस पे रहता है, और सिक्योरिटी, फुल सिक्योरिटी आपको डेडिकेटेड पे दी जाती है। हालांकि आपको शेयर्ड पे भी सिक्योरिटी दी रहती है, लेकिन डेडिकेटेड पे कोई अदर कंपनी के डेटा या आपके, केवल आपको IP वो, आपको URL वो डिफाइन किया जाता है। अगर आपका 5 यूजर है, 10 यूजर है, तो आप कितने भी यूजर चला सकते हो। टैली के अलावा बहुत सारी कंपनियां एक्सेल काम करती हैं, TDS के सॉफ्टवेयर यूज करती हैं, मल्टीपल डेटाबेस भी आप सारा डेडिकेटेड पे रख सकते हो, लेकिन शेयर्ड पे ओनली आपको टैली ही लॉगिन करने के लिए मिलेगा। आप अगर आप चाहोगे एक्सेल का डेटा रख सकते हो, या अदर कोई TDS का सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आप शेयर्ड पे आपको ये इंस्टॉल करने के लिए कोई स्पेस नहीं दिया जाएगा। आप लॉगिन करते ही आपको केवल टैली ओपन होगा। इसको मैं लाइव भी करके दिखाऊंगा कैसा शेयर्ड दिखता है और किस तरीके से डेडिकेटेड दिखता है। तो आपको इस तरीके से कन्फ्यूजन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि शेयर्ड और डेडिकेटेड में क्या है। डेडिकेटेड केवल डेडिकेटेड IP और URL डिफाइन किया जाएगा, उस सर्वर पे केवल आपकी कंपनी का डेटा, चाहे आपका टैली का सॉफ्टवेयर हो, चाहे BG का सॉफ्टवेयर हो, चाहे मार का हो, चाहे TDS का सॉफ्टवेयर हो, चाहे ERP हो, चाहे एक्सेल शीट हो, सब कुछ आप डेडिकेटेड पर रख के आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो, कहीं भी किसी भी जगह बैठ के। आपको URL ID और पासवर्ड दे दिया जाएगा। और शेयर्ड में क्या होगा दोस्तों, केवल आपको शेयर्ड, अगर टैली ऑन क्लाउड है, टैली आप BG है,
कोई भी चीज़ लिया अगर आपको शेयर्ड वो दे रहा है तो आपको टैली के अलावा कोई एक्सेस का ऑप्शन नहीं देगा कि आप कोई अदर सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर लो। आपको लॉगिन आईडी या पासवर्ड मिल जाएगा, आप लॉगिन करेंगे केवल आपको टैली का एक आइकन दिख जाएगा और आपका शो होगा, उस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। तो इसी को दोस्तों टैली ऑन क्लाउड कहते हैं। अब चलिए हम उसको लाइव करके दिखाते हैं किस तरीके से ये शेयर्ड दिखता है, किस तरीके से डेडिकेटेड क्लाउड आपको शो करता है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों मैं स्क्रीन पे आ गया हूँ, आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है टैली क्लाउड। दोस्तों ये एक शेयर्ड के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले शेयर्ड किस तरीके से लॉगिन होता है। आपको जब भी आप शेयर्ड का टैली ऑन क्लाउड 600 रुपये पर मंथ के साथ जो आते हैं, ये अगर वन यूज़र का प्लान आप लेते हैं तो इस तरीके से कंपनियां आपको एक आइकन दे देगी आपके डेस्कटॉप पे। आपके डेस्कटॉप पे आइकन मिल जाएगा या यूआरएल मिल जाएगा, लेकिन मोस्टली जो लोग प्रेफर करते हैं वो टैली ऑन क्लाउड को, ये इस तरीके से आइकन को प्रेफर करते हैं क्योंकि यूआरएल पे उनको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल महसूस होता है। तो इस तरीके से आपको आइकन दे दिया जाएगा। दोस्तों आइकन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे लॉगिन आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपको दे दिया जाएगा। आप यहाँ पे लॉगिन आईडी जो भी आपकी कंपनी से आप क्लाउड परचेज करेंगे, चाहे मेरे से कर रहे हैं आप, चाहे कहीं और से भी टैली ऑन क्लाउड परचेज करेंगे, परचेज करने का यूजर एंड पासवर्ड आपको दे दिया जाएगा और एक आइकन आपके सिस्टम पे इंस्टॉल कर दिया जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे जैसे यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे, ये शेयर्ड का मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, स्टार्टिंग से पहले बोल रहा हूँ, ये शेयर्ड के लिए। शेयर्ड का जैसे आप कनेक्ट करेंगे इस तरीके से ये कनेक्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये कनेक्ट करेगा। कनेक्ट करते समय देखिए आपको ये आपको यहाँ पे टैली दिख गया, टैली प्राइम, यहाँ पे आपको बैकअप का दिख जाएगा, यहाँ एक्सपोर्ट का दिख जाएगा। इस तरीके से आप टैली खोलोगे तो आपकी टैली यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इस तरीके से टैली प्राइम या ERP9 जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो कंपनियाँ इंस्टॉल करके आपको दे देंगी। इस तरीके से आपको ये टैली प्राइम ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से बंद कर सकते हो इसको टैली प्राइम को, यहाँ बैकअप लेना है बैकअप ले सकते हो, यहाँ एक्सपोर्ट करना है कोई भी चीज़ आप टैली प्राइम से एक्सपोर्ट करोगे तो ये एक्सपोर्ट फोल्डर में आ जाएगा। आपको बंद करना है तो यहाँ पे लॉग आउट कर दीजिए। ये क्या होता है पर यूजर के हिसाब से दोस्तों आपको प्लान दिया जाता है कि पर यूजर आपको क्या हो, कौन सा प्लान है। अगर आप वन यूजर का प्लान है तो वन यूजर लॉगिन कर सकते हो एक टाइम में, अगर दूसरे यूजर को लॉगिन कराएं तो आप लॉग ऑफ करोगे तभी दूसरा यूजर लॉगिन कर सकता है। आप टू यूजर का प्लान लग सकते आपके ऊपर है, आप डिपेंड करता है आप कितने यूजर का प्लान लेना चाहते हैं। इस तरीके से शेयर्ड यूजर आपको ओपन होता है दोस्तों। अब मैं आपको डेडिकेटेड क्लाउड के बारे में बताऊंगा ये कैसे किस पे आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए लॉगिन पे यहाँ पे URL है, इस पे आपको URL मिल जाएगा एक लॉगिन करने के लिए डेडिकेटेड सर्वर के लिए। प्रॉपर आपका सारा सब कुछ मेंटेन होगा, सब कुछ इस तरीके से साइट भी दिख जाएगी अगर URL के थ्रू आप लॉगिन करते हैं। जैसे आप जीमेल लॉगिन करते हो वैसे URL के थ्रू यहाँ पे आपको URL आपकी आईडी आपकी कंपनी के नाम से URL बना दिया जाएगा। यहाँ पे एडमिन आईडी मिल जाएगी और पासवर्ड मिल जाएगा। यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे ये पूरा एज इट इज आपके डेस्कटॉप की तरह आपको ओपन कर देगा। आपको चाहे TDS का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने, चाहे एक्सेल के करने हैं, चाहे अदर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद फिर होस्टिंग दे दी जाएगी। ये एडमिन से लॉगिन है दोस्तों, इस तरीके से ऐसा दिखेगा। किसी भी कंपनी में अगर डेडिकेटेड लाइसेंस क्लाउड लेते हो तो इसका ये मतलब नहीं कि सबको ये एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि ये एडमिन यूज़र को ही एक्सेस मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे टैली इंस्टॉल है और भी सॉफ्टवेयर, कोई भी चीज़ें इंस्टॉल करके आप क्लाइंट जो भी आपके जैसे 10 यूज़र का प्लान आपने डेडिकेटेड में ले रखा है तो यहाँ से एक्सेस मिल जाएगा। उन आपके जो यूजर्स हैं उनको एक्सेस केवल उसी सॉफ्टवेयर का रहेगा जो आप परमिशन देंगे। ये केवल एडमिन को होगा कि आप कोई भी स्पेस यहाँ पे इंस्टॉल करके खुद ही बैकअप ले सकते हो। कुछ भी करना है, इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है, ये डेडिकेटेड यूजर जो लेते हैं क्लाउड उनको ये सारी परमिशन होती है। उनको पूरा ये विंडो लॉगिन हो गया। अब आपको चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिए, अब जैसे आपने 10 यूजर का प्लान ले लिया तो और यूजर को ये परमिशन नहीं होगी सारी। उनको परमिशन अगर आपने टैली का दिया है तो टैली ही जैसे आपने शेयर्ड में ओपन किया इस तरीके से लॉगिन होगा। अगर आपने अदर TDS का सॉफ्टवेयर दे दिया तो वो भी उसी तरीके से उनको लॉगिन एक साइड में एक बटन बार की तरह ओपन हो जाएगा। उनको ये उनको राइट्स नहीं होंगी क्योंकि डेडिकेटेड दोस्तों क्या होता है कि आपको सारी राइट्स मिल गई डेटा की। तो डेटा आपके ड्राइव में जो सिक्योरिटी डेटा है सब कुछ है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको राइट्स देने या नहीं देने, क्योंकि आपका क्लाउड पे है डेटा तो आपके लिए सिक्योरिटी बहुत ही वो करता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप शेयर्ड और डेडिकेटेड के बारे में समझ गए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो दिए हुए नंबर मैंने नंबर दे रखा है, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेरे से डिस्कस कर सकते हो कि डेडिकेटेड और शेयर्ड में क्या डिफरेंस है, क्या कॉस्टिंग। अब रही बात कॉस्टिंग की दोस्तों, अगर मिनिमम आप 10 यूजर का लेते हो तो 6-7 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से क्लाउड डेडिकेटेड क्लाउड का कॉस्टिंग आती है, और शेयर्ड का आता है 500-600 रुपये पर मंथ पर यूजर के हिसाब से आता है। इसलिए अगर आपके 5-6 यूजर कंपनियों के होते हैं, 10 यूजर होते हैं तो वो डेडिकेटेड ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और बड़ी कंपनी ऑल्सो डेडिकेटेड को प्रेफर करती है। लेकिन अगर आप सिंगल यूजर यूज कर रहे हैं दोस्तों, वन यूजर का अगर क्लाउड आपको यूज करना है
क्लाउड यूज़ करना है तो आप शेयर्ड आपके लिए बेस्ट है। आप शेयर्ड को आपको क्योंकि आप एक सिंगल लैपटॉप पे आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। क्लाउड का मतलब क्या होता है दोस्तों कि आप 24 आवर्स मतलब कहीं भी आप चाहे दिल्ली में हो चाहे मुंबई में हो चाहे पंजाब में हो चाहे राजस्थान में हो कहीं भी आप हो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। लाइव एंट्री कर सकते हो तो बिल्कुल फास्ट चलेगा। जो आप ऑफलाइन में टैली चलाते हैं सेम उसी तरीके से आपको डेडिकेटेड हो चाहे शेयर्ड हो सबकी स्पीड अच्छी होती है फर्स्ट क्लास होती है। डेडिकेटेड शेयर्ड में एक फिक्स होता है दोस्तों स्पीड लेकिन डेडिकेटेड में आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। रैम जितनी भी रैम या स्पेस आप इसमें अप्लीकेबल कराएंगे एक्स्ट्रा उतनी ही इसकी कॉस्टिंग बढ़ती जाती है। इसकी कॉस्टिंग आपके 5,000-5,000 पर मंथ के हिसाब से स्टार्ट होती है 8,000-10,000-15,000-20,000 डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितना है कितनी रैम चाहिए आपके 12 GB का चाहिए 30 GB का चाहिए 50 GB का रैम चाहिए 1 TB या 2 TB का आपको स्पेस चाहिए। तो जैसा स्पेस अब रैम आप डेडिकेटेड पे आप इंक्रीज करेंगे वैसे ही आपकी रेंट कॉस्टिंग इसकी बढ़ती जाएगी। इसका रेंट एवरी 3 मंथ या 6 मंथ या ईयरली इसके रेंट पे होते हैं। शेयर्ड में तो हाफ ईयरली या ईयरली आपका मिनिमम पे किया ही जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों शेयर्ड और डेडिकेटेड आपका यूज होता है। कोई भी कन्फ्यूजन हो दोस्तों तो मुझे कॉल करिएगा। बेशक आपको अगर क्लाउड के बारे में कुछ पूछना है या बाय करना है तो मुझे दिए हुए नंबर पर कॉल करिए मैं आपको इसकी फ्री डेमो फ्री ट्रायल आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों लाइक करना शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।